नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टेट गन में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की योजनाएं। छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, जैसे CGPSC, CGVAPM या अन्य सारी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ की योजनाओं से 3-4 प्रश्न लगभग आते ही रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपके लिए छत्तीसगढ़ की सभी योजनाओं का संग्रह एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के ऑन नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को इन तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी योजना छूटना जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें 19 लाख कृषक इनके लाभार्थी रहे हैं। 5700 करोड़ रुपए कुल राशि 4 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया गया। पहला किस्त 21 मई 2020 को 1500 करोड़ रुपए, 20 अगस्त 2020 को द्वितीय किस्त 1500 करोड़ रुपए, इसके बाद 1 नवंबर 2020 को तृतीय किस्त 1560 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की गई। इस योजना में धान उत्पादन करने वाले कृषकों को शामिल किया गया। अगला है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना 21 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार के दिन बिहार गोठान रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना का प्रतीक चिन्ह गोधन न्याय योजना है। गौ पालकों से गोबर खरीदना, साथ ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अर्धठोस गोबर का 2 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदी मूल्य रखा गया है। खरीदी करने के 15 दिन के अंदर ही उस राशि का भुगतान किया जाना है। प्रथम भुगतान 5 अगस्त को किया गया। अब याद रखेंगे, प्रथम भुगतान 5 अगस्त को किया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां सरकार गोबर की खरीदी कर रहा है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां सरकार गोबर की खरीदी कर रहा है, जिसमें पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई है, साथ ही पशु की खुली चराई पर रोक लगी है, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार दिया गया है। हर महीने 2 से 3 हजार तक की आय इस योजना में अनुमानित की गई थी। 2 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यह भी इस योजना में जो है अनुमान लगाया गया है। साथ ही इस योजना में गोबर खरीदी के 15-15 दिन में भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार सितंबर 2020 तक लगभग 20 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर चुकी है और इसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा नगद तुर द्वार कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे, इसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा नगद तुर द्वार कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी 2020, मक्का और धान फसल, इसके लिए 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक पंजीयन की तिथि निर्धारित की गई थी। 1 दिसंबर 2020 से ही खरीदी प्रारंभ कर दी गई। टन धान खरीदी का इस वर्ष लक्ष्य रखा गया है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसके लिए 2500 रुपये क्रय मूल्य निर्धारित की गई है। याद रखेंगे, 2500 रुपये क्रय मूल्य। केंद्र सरकार द्वारा निम्न प्रकार से राज्यों से खरीदी की जाएगी। पंजाब से 113 लाख मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन और साथ ही तेलंगाना से 50 लाख मीट्रिक टन। अगले वर्ष की तुलना में इस वर्ष केंद्र द्वारा 495.37 लाख मीट्रिक टन कुल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है,
जबकि पिछले साल 19.55 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था। याद रखेंगे, पिछले साल 19.55 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था। इसके बाद है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। इसका पूर्व नाम था विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता व अनुदान राशि भुगतान योजना। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना में 18 से 60 वर्ष के श्रमिक व दिव्यांग जो है पात्र होते हैं। पंजीकृत श्रमिक को 1 लाख और साथ ही स्थायी दिव्यांगता इनको जो है 50,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है। याद रखेंगे, पंजीकृत श्रमिक को 1 लाख और स्थायी दिव्यांगता इनको 50,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। अगला है ऑपरेशन प्रहार अभियान। ऑपरेशन प्रहार अभियान छत्तीसगढ़ में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत बस्तर नक्सली क्षेत्रों से की गई। याद रखेंगे, इस अभियान की शुरुआत बस्तर नक्सली क्षेत्रों से की गई। इसके बाद है तुमचो द्वार योजना। तुमचो द्वार योजना, इसका पूरा नाम है बैंक संकवारी तुमचो द्वार योजना। चीतालंका और नकुलनार दंतेवाड़ा से इसका प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य है घर पहुंच बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। इस योजना का लाभ दंतेश्वरी माई मितान द्वारा दिया जा रहा है। याद रखेंगे, इस योजना का लाभ दंतेश्वरी माई मितान द्वारा दिया जा रहा है। इसके बाद है आमचो द्वार योजना। आमचो द्वार योजना, इसकी शुरुआत महिला स्व सहायता समूह द्वारा दंतेवाड़ा जिला से की गई, जिसका उद्देश्य है दैनिक उपयोग की सामग्रियों की पूर्ति करना। इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में माँ दंतेश्वरी मार्ट के नाम से दुकान शुरू की गई है। याद रखेंगे, माँ दंतेश्वरी मार्ट के नाम से दुकान शुरू की गई है। अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन केंद्रीय बजट 2019 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन की घोषणा की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 3500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 2021 में प्रथम चरण के कार्यों के लिए 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसका लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक घर में नल की व्यवस्था करना। याद रखेंगे, प्रत्येक घर में नल की व्यवस्था करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है मोर जमीन मोर मकान योजना। मोर जमीन मोर मकान योजना, यह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर लागू की गई है। इस योजना का लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में कच्चे घरों को पक्के बनाना 2022 तक। इनमें निम्न प्रावधान है। पहला है, राज्य में शहरी गरीब परिवारों को 2 कमरे का पक्का मकान देने के लिए 40,000 अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही रियल इस्टेट पर सरकार ने जमीन रजिस्ट्री पर 30% की छूट का घोषणा किया है। मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैवल मार्ट योजना। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सूरजपुर जिले से की गई। इस योजना का लक्ष्य रखा गया है महिलाओं को सशक्त बनाना, गांववासियों को सुविधा देना और साथ ही सूरजपुर में सफलता के बाद सभी जिलों में लागू करना। इसी योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान सूरजपुर की महिलाओं द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से सामान बेचकर लाखों रुपए का लाभ कमाया गया। याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन वितरण। प्रदेश में लॉकडाउन में 90% बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ देने वाला इस देश में छत्तीसगढ़ प्रथम रहा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा।
अगला है स्वास्थ्य बच्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य बच्चा कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है नंगत पीला स्वस्थ बच्चा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कोंडागांव जिले से की गई। इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक, और यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत चलाई जा रही है। याद रखेंगे, यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य है जिले के कुपोषण को समाप्त करना। याद रखेंगे, इसका उद्देश्य है जिले के कुपोषण को समाप्त करना। सौर सुजला योजना, नवंबर 2016 में सौर सुजला योजना का शुरुआत हुआ। हाल ही में क्रेडा के अधिकारियों द्वारा दिए गए जानकारियों के अनुसार सौर सुजला योजना के तहत राज्यों में अब तक 78,730 पंप स्थापित किए गए हैं। यह इसकी विशेष उपलब्धि रही है। इस योजना के तहत स्थापित पंपों के माध्यम से 2,46,000 एकड़ में सिंचाई सुविधा मिल रही है। साथ ही प्रदेश में 5,998 गाँव तथा बसाहटों में 11,459 सोलर पेयजल पंपों के माध्यम से 3.25 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार 281 सोलर जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष 20,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे करीब 50,000 एकड़ सिंचाई हो सकती है। याद रखेंगे, इससे जो है करीब 50,000 एकड़ तक जो है सिंचाई हो सकती है। इस योजना के तहत किसानों को काफ़ी कम कीमत पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप दिए गए हैं। अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इस योजना के तहत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और वह देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन ले सकेगा। इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। 1 अगस्त 2020 से छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की जा चुकी है और साथ ही 1 जनवरी 2021 को पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह योजना भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 17 राज्यों में 1 जून 2020 से लागू हो चुका है, जिनकी सूची है आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन और द्वीप और नगरनार एवं दादर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये राज्य जो है शामिल हैं। अगला है हमारा गांव हमारा खेत योजना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम छात्रों के लिए संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत अंतिम वर्ष के छात्रों को पूरा समय खेतों में प्रैक्टिकल करना होगा। याद रखेंगे, अंतिम वर्ष के छात्रों को पूरा समय खेतों में प्रैक्टिकल करना होगा। इसके बाद है इंदिरा वन मितान योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी, जिसका प्रारंभ 9 अगस्त 2020 को हुआ। वनांचल में रहने वाले छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है आदिवासी अंचलों के लोगों को योजना के तहत लाभान्वित कर रोजगार की संख्या में वृद्धि करना और साथ ही इसके अंतर्गत कम से कम 19 लाख परिवारों को शामिल किया जाना, यह इसका उद्देश्य रखा गया है। इस योजना के तहत निम्न लाभ है, जैसे योजना के तहत बनाए जाने वाले समूहों को वन प्रबंधन के अधिकार मिलेंगे, वन समूहों के माध्यम से बिकने वाले वनोपज को सही मूल्य मिलेगा और साथ ही लघु वनोपज की खरीदी और उनके समर्थन मूल्य में
वृद्धि होगी। इस योजना में पात्रता रखते हैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, वनी इलाके से संबंधित लोग। इस योजना से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाना है। अगला है मुख्यमंत्री मितान योजना। 8 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना की घोषणा की गई, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 से हुई। इस योजना के तहत पहले चरण में सभी नगर निगमों से सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना में 100 सरकारी सेवाएं शामिल हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन संबंधी सुविधा, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि की होम डिलीवरी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। आप याद रखेंगे, इसके तहत राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। इसके बाद है हरियर छत्तीसगढ़ योजना। हरियर छत्तीसगढ़ योजना वन विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें 6,99,00,000 रुपए लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत वन रोपण कैंपों और मनरेगा द्वारा यह योजना जो है चलाया जाना है। इसके अंतर्गत 10% आम, जामुन, नीम, करंज, आंवला और इमली आदि पौधों का रोपण किया जाना है। आप इन पौधों के नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के कूट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 अप्रैल को आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के संबंध में बच्चों एवं अभिभावक को सोशल मीडिया के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस कार्यक्रम के संबंध में जागरूक भी किए हैं। अगला है तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। यह योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 5 अगस्त 2020 को शहीद महेंद्रकर्मा की जयंती के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का संचालन राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है, और इस योजना का पूरा नाम है शहीद महेंद्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना में लगभग 12.50 लाख तेंदूपत्ता के संग्राहक परिवार को इसका लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत कुछ अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। यदि पंजीकृत परिवार का सदस्य 50 वर्ष से कम हो तो सामान्य मृत्यु पर 2 लाख अनुदान, और यदि पूर्ण विकलांग होने पर 2 लाख अनुदान, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख अनुदान दिया जाता है, और यदि पंजीकृत परिवार का सदस्य 50 से 59 वर्ष का हो तो सामान्य मृत्यु पर 30,000 अनुदान, दुर्घटना मृत्यु में 75,000 अनुदान, पूर्ण विकलांगता पर 75,000 अनुदान और आंशिक विकलांगता पर 37,000 अनुदान जो है दिया जाता है। अगला है स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र योजना। इसका पूर्व नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कॉलरशिप छात्र प्रोत्साहन योजना। इसके लाभार्थी रहेंगे स्कूली छात्र, याद रखेंगे इसके लाभार्थी रहेंगे स्कूली छात्र। अगला है मोर छत मोर बिजली योजना। मोर छत मोर बिजली योजना, यह मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में यह योजना प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा द्वारा यह संचालित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है 300 सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाना। इस योजना से यह लाभ होगा कि संबंधित विभाग का
बिजली खर्च एक तिहाई हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है गार्बेज कैफे योजना। गार्बेज कैफे योजना, इस योजना में नगर निगम, शहर के गरीब और घुमंती लोगों को शामिल किया गया है। गार्बेज कैफे योजना देश का प्रथम योजना है जो अंबिकापुर से आरंभ किया गया है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इसका आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है 1 किलो प्लास्टिक कचरे पर मुफ्त भोजन और साथ ही 0.5 किलो कचरे पर भरपेट नाश्ता, यह जो है इसका उद्देश्य है। अन्य है मातृत्व वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मातृत्व वंदना योजना संचालित है। शासन द्वारा गर्भवती माताओं के बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और उन्हें बेहतर पोषण उपलब्ध कराना, यह इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में 3 किस्तों के माध्यम से सीधे जमा कर दी जाती है, जो इस प्रकार है। प्रथम किस्त 1,000 रुपये गर्भवती के पंजीयन पर, द्वितीय किस्त 2,000 रुपये की राशि 6 माह के न्यूनतम IANC जांच पर, तृतीय किस्त 2,000 रुपये प्रसव उपरांत शिशु के प्रथम चक्र के टीकाकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र के बनने के बाद। यह राशि बैंक खाते में DPT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसके बाद है गुरु तुझे सलाम अभियान। इसकी शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। पढ़ाई तुम्हारे द्वार ऑनलाइन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार और शिक्षकों, विद्यार्थियों और पालकों द्वारा इसके नियमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गुरु तुझे सलाम अभियान 11 से 23 जून तक संचालित किया गया। आप इस तिथि को याद रखेंगे, 11 से 23 जून तक जो है संचालित किया गया। अगला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत युवाओं को ऋण प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 25 लाख रुपए सामान्य व्यवसाय, 10 लाख रुपए सेवा व्यवसाय और 2 लाख रुपए लघु व्यवसाय, इनके लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वार्षिक आय जिनका 3 लाख से अधिक नहीं है वो इस योजना में पात्र होते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 8वीं पास हो। इसके साथ ही किसी अन्य योजना का लाभ न उठाया हो। इस प्रकार से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान के लिए संचालित योजना है। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना में 25,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है, जो कि पूर्व में 15,000 रुपये प्रदान की जाती थी। इसके बाद है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत 1,00,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में इस योजना के तहत 50,000 राशि प्रदान की जाती थी। अगला है धर्ष विकास योजना। धर्ष विकास योजना, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई। गांव में धर्जा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाना, इस योजना में लक्ष्य रखा गया है। पंचायत राजस्व और लोक निर्माण विभागों के सचिवों की समिति बनाई गई है इस योजना के तहत। इसके बाद है शिल्पी चौपाल। शिल्पी चौपाल, इसका आयोजन 15 अगस्त 2020 को वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परचम पाल बस्तर में किया गया, याद रखेंगे इसका आयोजन परचम पाल बस्तर में किया गया। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रेल परियोजना। हाल ही में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल परियोजना के अंतर्गत खरसिया से धरमजयगढ़ तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए, इसी बीच में खरघोड़ा डोंगामहुआ जिला रायगढ़ से उरगा जिला कोरबा तक
104 किलोमीटर शासकीय भूमि का हस्तांतरण भारतीय रेल विभाग के प्रस्ताव को पारित किया है, जिसके अंतर्गत सितंबर 2018 में उर्गा से धरमजयगढ़ तक 63 किलोमीटर नई रेल लाइन निर्माण का शिलान्यास किया गया है। उर्गा से धरमजय के बीच कुल 6 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें हैं खड़गवा, हाटी, धसकामुड़ा, घिनारा, डोंगमा और भैसमा। इसके साथ ही खरसिया से धरमजयगढ़ तक 9 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें शामिल है खरसिया, गुर्दा, छाल, कुर्री छापर, कुडुमकेला, भालूमाड़ा, गारेपिल्मा और धरमजयगढ़। इन जगह का नाम अब याद रखेंगे क्योंकि इस प्रकार के कूट में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षितों को शिक्षित करने के लिए इस योजना या इस अभियान की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इन जिलों में साक्षरता का यह कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में किया जाएगा। याद रखेंगे 10 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके बाद है आई एम द वन कार्यक्रम। यह छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पढ़ाई तुहर द्वार योजना के अंतर्गत जो है संचालित है और स्कूली बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराना, यह लक्ष्य इस कार्यक्रम में रखा गया है। इस कार्यक्रम से स्कूली बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षा के साथ मनोरंजन कलाओं को भी सिखाया जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला है परियोजना विजयी। परियोजना विजयी स्कूलों में चल रहे परियोजना विजयी तहत राज्यों के सभी जिलों के 178 संस्थानों में कक्षा 6वीं से 8वीं में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए जीवन कौशल पर आधारित सूत्रों का संचालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि बालिका शिक्षा कार्यक्रम के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए परियोजना विजयी सशस्त्र बालिकाओं के सफल जीवन की ओर कार्यक्रम की शुरुआत 2018 से की गई थी। याद रखेंगे इस योजना की शुरुआत या इस कार्यक्रम की शुरुआत 2018 से की गई थी। रोका छेका अभियान 2020। यह अभियान 19 से 30 जून 2020 तक चला। इस अभियान का स्लोगन रखा गया था, खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो कर वो रोका छेका। फसलों की भविष्यों से सुरक्षा करने साथ ही खुले में चराई की रोकथाम करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया और इस अभियान का लक्ष्य रखा गया था फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, दलहनी तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देना और साथ ही सब्जी फल एवं रबी की फसलों की खेती को बढ़ावा देने, इस लक्ष्य से यह अभियान चलाया गया। 30 जून के बाद सड़कों पर घूमते पाए जाने वाले पशुओं के मालिक पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस प्रकार से यह अभियान जो है छत्तीसगढ़ में चलाई गई। डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान। लॉकडाउन के दैनिक रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले परिवारों, आश्रयहीन लोगों, निःशक्तजनों इत्यादि को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्हील्स अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन घर घर जाकर लोगों से सूखा राशन एकत्र कर और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य इस अभियान के तहत किया। टेलीफोनिक विधि सहायता केंद्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर से इस सहायता केंद्र का प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय विविध सहायता प्राधिकरण की सहायता से जिला न्यायालय परिषद रायपुर द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें टोल फ्री नंबर है
15100। यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है और इसका उद्देश्य है लोगों को जल्द रास्ता व सुलभ न्याय दिलाना। यह केंद्र इस प्रकार का देश का पहला केंद्र है। याद रखेंगे, यह केंद्र इस प्रकार का देश का पहला केंद्र है। इसके बाद है नामीम गंगे प्रोजेक्ट। नामीम गंगे प्रोजेक्ट महानदी के दोनों किनारों पर वनीकरण करने के उद्देश्य से महानदी सहित देश की 13 अन्य नदियों को शामिल कर यह गंगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यह दूसरा चरण है और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को दी गई है। याद रखेंगे, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को दी गई है। मलेरिया मुक्त अभियान। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्तर को मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के 30 विकास खंड में यह अभियान चलाया गया, जिसका प्रथम चरण 15 जनवरी से 14 फरवरी 2020 तक और साथ ही द्वितीय चरण 6 जून से 21 जुलाई 2020 तक यह अभियान चलाई गई। इसके बाद है मेहरार चो मान अभियान। इसका अर्थ है महिलाओं का सम्मान। महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर कर गंभीर बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से साथ ही वनांचल क्षेत्र की महिलाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके बाद है मोचो जचकी मोचो अस्पताल अभियान। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गांव की गर्भवती माताओं के सुरक्षित प्रसव में मददगार बनाने हेतु यह अभियान जो है चलाया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा कुछ स्थानों के नाम, विश्वविद्यालय के नाम और योजनाओं के नामों में परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं नालंदा परिसर रायपुर। नालंदा परिसर रायपुर, इसका नया नाम है डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर। दूसरा है कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसका वर्तमान नाम है वासुदेव चंद्राकर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, इसका नया नाम है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। बस्तर विश्वविद्यालय, इनका नाम परिवर्तन होकर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर हो चुका है। माड़ुम सिल्ली बांध, इनका नया नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। सरगुजा मेडिकल कॉलेज, इनका नया नाम है राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज सरगुजा। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, इस योजना का नया नाम है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। पंडित दीनदयाल आजीविका केंद्र योजना, इस योजना का नया नाम है राजीव गांधी आजीविका योजना। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इस योजना का नया नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना, इस योजना का नाम परिवर्तित करके शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, इसका नया नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रदर्शन योजना, इसका नया नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पथ प्रदर्शन योजना। और साथ ही है राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना, इनका नाम परिवर्तित करके मिनी माता कन्या विवाह योजना रखा गया है। इस प्रकार से आपको इन नए नाम को याद रखना है ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में
यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उन प्रश्नों के आंसर दे सकें।